top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी को बधाई देता हूँ। आम आदमी का बजट है, आम आदमी के द्वारा, आम आदमी के लिए आम आदमी का बजट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के अंदर कोई भी चीज महंगी नहीं की गई है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और किसी भी टैक्स के अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि ढेर सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कम किया गया है, ढेर सारे आइटम्स के ऊपर वैट की दरें कम की गई है। जब हमारी सरकार बनी थी, हम लोगों ने कहा था कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी। अब अच्छी नीयत वाली सरकार आई है। पिछले एक साल के अंदर हमारा एक्सपीरियंस भी यह दिखाता है कि जो काम वो 325 करोड़ में एक फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में बना दिया। पैसे हर चीज के अंदर बचा रहे हैं। तो जितने सरकार में पैसे इकट्ठे होते हैं, उतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले दिनों में हमें। तो जब हमारी सरकार बनी थी, हमने कहा था 5 साल के अंदर देश के दिल्ली के अंदर वैट की दरें देश में सबसे कम कर देंगे हर आइटम के ऊपर। वो प्रोसेस इस बजट से शुरू हो चुका है। इस बजट के अंदर ढेर सारे आइटम सस्ते किए गए हैं, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते किए गए हैं, मिठाइयां नमकीन सस्ती की गई हैं, मार्बल सस्ता किया गया है, फुटवेयर सस्ता किया गया है, रेडीमेड गारमेंट सस्ते किए गए हैं, घड़ियां सस्ती की गई हैं, स्कूल बैग सस्ते किए गए हैं, बहुत सारी चीजें इस बजट के अंदर सस्ती की गई हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देता हूं। और इस बजट का भी, जैसे पिछले साल भी, सबसे बड़ा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर था पिछले साल, इस साल भी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इस बजट का है। और एक मॉडल हम लोग देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमने कहा था एक अलग किस्म की राजनीति आम आदमी पार्टी लेके आई है। एक तरफ जहां देश के अंदर हर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार शिक्षा का बजट कम करती जा रही है, पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर, सरकारी कॉलेजों के ऊपर सरकारें बजट कम करती जा रही है, खर्च कम करती जा रही है, सरकारी खर्च कम करती जा रही है, और प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रियों के अपने स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों के अपने कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, तो वो जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब किया जाता है ताकि लोग अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों के अंदर कराएं। ये पहली बार, कई सालों के बाद पहली बार देश के अंदर देखने को मिला एक ऐसी सरकार है जो कहती है हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करेंगे कि 2 से 3 साल के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर करना चालू करेंगे। तो पब्लिक एजुकेशन के ऊपर बजट में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की जा रही है, सरकारी स्कूलों को अच्छा